नमस्कार, मैं हूँ गरिमा। स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं तलेन की खबरों की ओर। बेटी को भगाकर ले जाने की बात का विवाद इतना गंभीर हो गया कि आरोपी ने गला घोटकर मारने का प्रयास किया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। आपको बता दें कि जिले में गंभीर अपराध के आरोपियों को गिरफ्तार करने में पुलिस की टीम लगातार कार्य कर रही है। वहीं उन्हें गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय से कड़ी सजा दिलाने हेतु जिले की पुलिस टीम सहित समस्त थाना प्रभारी सतत प्रयास कर रहे हैं। थाना तलेन क्षेत्र के अंतर्गत ऐसे ही एक गंभीर घटना घटित होने पर पुलिस टीम ने तत्काल एक्शन में आकर आरोपियों को दर दबोचा है और थाना तलेन के अपराध क्रमांक 291 धारा 294 322 307 34 बादवी इजाफा धारा 302 बादवी के आरोपियन राम सिंह पप्पू व बद्रीलाल सर्व निवासी ग्राम कोठारी कला थाना कुरावर को गिरफ्तार कर लिया गया है। सर जी, हत्या का क्या मामला है? ये कल फरियादिया लीलाबाई पति राधे से हमने सुजालपुर में देहाती नाल से चेक कराई थी कि इसका लड़का पवन कोठरी के कमल सिंह की लड़की राधा बाई को 2 दिन पहले भगा कर ले आया था, जिसकी तलाश में कोठरी से पप्पू, बद्री और राम सिंह तीनों आए हुए थे। जो घर पर तलाश किया तो नहीं मिला। इसका पति जो था दुकान चला गया था। शाम को करीब 7 बजे करीब एक पति घर पर नहीं आया तो इन लोगों ने इसकी तलाश करी। सुबह स्कूल के पास मरा हुआ मिला था, घायल अवस्था में मिला था, जिसे अस्पताल सुजालपुर लेकर चले गए थे। दुकानदारों एवं सब ने बताया कि ये जो लोग आए थे तीनों राम से बोल इसको लेकर, ये लोग दुकान के उससे लेकर इसको लड़की की बात करने के लिए लेकर गए थे, जहाँ पर इसके साथ मारपीट गई और इसका साड़ी से गला घोट दिया था। ये बात घटना के पूर्व घायल अवस्था में पति ने इसकी पत्नी को बताया था। इलाज के दौरान सुजानपुर में इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने से प्रकरण में धारा 302 इजाफा की गई है और थाने पर अपराध क्रमांक 291/21 307/34 धारा 302 का कायम करके आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।